कायम वेदात अधिष्ठानम अपि द्विधा रजस्तमस च मनस दो च दोषो उदाहृते। अभी यहाँ पे जो अधिष्ठान है किसका, दोषों का, यानी कि दोष कहाँ कहाँ रहते हैं, ये वात पित्त और कफ कहाँ कहाँ रहते हैं, तो वो सिर्फ काय में रहते हैं। तेषां काय मनोभेदात, और मन में क्या रहते हैं, तो रज और तम ये दोष जो है वो मन में रहते हैं, क्योंकि सत्व तो खुद मन है। चरक संहिता में बोला गया है कि सत्व जो है वो खुद क्या है, मन है, तो दोष क्या रहेंगे, तम और रज, ये जो दोनों है वो दोष रहेंगे। अभी सत्व रज तम क्या है पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है, तो ही आपको समझ में आएगा कि मन में सत्व दोष क्यों नहीं है, रज तम दोष क्यों है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि अपने ब्रह्मांड का, अगर आप अपने यूनिवर्स का अगर आप स्टेजेस देखेंगे तो तीन स्टेज है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, यानी कि बॉर्न, फिर बाद में मेंटेन, डिस्ट्रक्शन। उसी प्रकार जब आप अपने कॉन्शियसनेस को, यानी कि हम देखोगे तो हमारा क्या होता है कि हमारा जन्म होता है, उससे पहले हमारा होती है सुप्ति, जन्म के बाद होती है जागृति, और अपना एक सेमी अवस्था है। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस की बात हो गई। तो सत्व यानी कि क्या, कि एक ऐसी कॉन्शियसनेस जो स्थिति और जागृति मेंटेन करें। तो ये जो होती है, ये दोनों अवस्थाएं क्या हो जाते हैं, सत्व हो जाते। तो बेसिकली हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या करती है कि इस संसार में, ये इस यूनिवर्स में स्थिति और जागृति मेंटेन करती है। ये रेफरेंस आपको जो है वो मांडुक्य उपनिषद में मिलेगा। तो स्थिति और जागृति ये दोनों काम किसके हैं, हमारे कॉन्शियसनेस के, और उसी को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, सत्व या मन भी बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम मैंने बताया कि बॉडी और माइंड का जो है वो कनेक्शन होता है। माइंड बेसिकली बॉडी की रक्षा करता है, माइंड जो है वो सारे ऐसे डिसीजंस लेता है जिससे बॉडी लंबे से लंबे तक जिंदा रहे। इसलिए यहाँ पे मन को जो है वो क्या सत्व बताया गया है, क्योंकि वो स्थिति और जागृति दोनों मेंटेन करती है। फिर जो उत्पत्ति और लय है, और जो स्वप्नावस्था है, इसको हम जो है वो रज बोलते हैं। रज मतलब डिस्टर्बेंस, रज मतलब प्रवृत्ति। तो ऐसी जो भी फैक्टर्स है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो उसमें उत्पत्ति भी आ जाता है और लय भी आ जाता है, क्योंकि उत्पत्ति भी लय के बाद हो रहा है और लय के बाद ही उत्पत्ति हो रही है। इसलिए दोनों साइकिल है जो कि डिस्टर्बेंस के साइकिल है, इसलिए जो है वो इसे रज कहा जाता है। और होता है सुषुप्ति, सुषुप्ति जो है वो आपका तम है। सुषुप्ति यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ पे भी, जो भी फैक्टर्स आपको जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स जो है वो तामसिक या तम होते हैं। तो इसीलिए आपके मन के अंदर ये दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है रज, क्योंकि वो आपके कॉन्शियसनेस के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपको उत्पत्ति और लय और स्वप्न की तरफ, यानी कि सेमी कॉन्शियस स्टेट की तरफ ले जाता है। और एक होता है सुषुप्ति, जो कि होता है तामसिक अवस्था, जिसमें आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे बेटर क्या है, स्थिति और जागृति, जो कि आपका सत्व गुण है, जो कि आपका मन है। और सभी के मन का गुण सत्व होता है, क्यों, क्योंकि किसी का भी मन ये नहीं चाहेगा कि वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाए, या स्वप्न अवस्था में चला जाए, या उत्पत्ति या लय इस अवस्था में भागे। वो लोग हमेशा अच्छा ही जीना चाहते हैं, इसलिए सब लोग स्थिति और जागृति को ही मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए सभी के मन का गुण जो होता है वो क्या होता है, सत्व होता है। रज और तम जो है वो क्या होते हैं, दोष होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो इस श्लोक से समझना है। नेक्स्ट श्लोक है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न है परीक्षेत च रोगिणा। अभी एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट यानी कि दर्शन, दर्शन यानी कि बाय मींस ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो दर्शन यानी कि देखना,
तो देखने से हमें पेशेंट का क्या क्या पता चलता है, तो उसके त्वचा का कलर पता चलता है, फिर बाद में वो कैसे चल रहा है वो पता चलता है, उसका गेट समझ में आता है, उसके आँखों का कलर समझ में आता है, उसके जीभ का कलर समझ में आता है। तो इस प्रकार से दर्शन करके यानी कि देख करके पेशेंट का जो है वो एग्जामिन करना, इसको बोलते हैं दर्शन। स्पर्शन यानी कि बाय टच, ठंडा है या गर्म है, खर है या रुक्ष है, यानी कि ड्राई है या वेट है, इस प्रकार से जो है वो पेशेंट को टच करके उसका एग्जामिनेशन करना, उसको स्पर्शन कहते हैं। प्रश्न यानी कि पूछ के बुखार कितने दिनों से आया है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ऐसे आप जो प्रश्न करके जो एग्जामिन करते हो उसको बोलते हैं प्रश्न परीक्षा। तो ये परीक्षा के तीन प्रकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि परीक्षा के प्रकार लिखो। तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न है, ऐसे जो है ये परीक्षा के प्रकार आपको लिखने हैं। फिर बाद में आते हैं कि क्लास डिजीज का एग्जामिनेशन कैसे करने का। ये तो आपने किसका एग्जामिन किया, पेशेंट का एग्जामिनेशन किया, लेकिन पेशेंट के अंदर जो डिजीज है उसका भी एग्जामिनेशन जो है उसके भी 5 स्टेजेस यहाँ पे बताए गए हैं। तो एग्जामिनेशन सपोज अपने को डिजीज का करना है तो सबसे पहले अपन पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या कारण था जिससे हुआ, तो उसी को जो है वो यहाँ पे बोला गया है रोगम निदान प्रागरूपम लक्षण उपशय आपति भी। यानी कि रोग जो होते हैं उसमें सबसे पहले निदान पूछना पड़ता है कि कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो कॉजेज एंड इटियोलॉजी। फिर बाद में आता है प्रागरूप यानी कि इसके पहले क्या क्या हो रहा था, तो प्रागरूप यानी कि पूर्वरूप यानी कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स या प्री मोनिटरी सिम्टम्स या बीमारी होने से जस्ट पहले जो सिम्टम्स चालू होते हैं वो, जैसे कि सर्दी में नाक का बहना, तो जब भी सर्दी होती है तो पहले नाक बहती है फिर बाद में नाक ब्लॉक हो जाती है, तो नाक का बहना और ये सब पीनस जो है ये आपका क्या है, पूर्व रूप है। फिर लक्षण के प्रॉपर सिम्टम्स क्या है, स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, तो जैसे कि मलेरिया है तो ठंड लग के बुखार आता है तो ये उसके क्या है, लक्षण है। उपशय, उपशय यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, अभी उपशय यानी कि यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखा है लेकिन वैसा नहीं है, आयुर्वेद में उपशय का मतलब है कि क्या दवाई देने से उसके जो सिम्टम्स है वो कम हो रहे हैं और क्या दवाई देने से उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दोषों का प्राधान्य पता चलता है। जैसे कि ठंडी है, ठंडी लग गई है और ठंडी की वजह से सर्दी हो गई है तो फ्रिज का पानी दिया तो सर्दी बढ़ जाती है और अगर गर्म पानी दिया तो सर्दी कम हो जाती है, इसका मतलब जो ठंडी है, ठंडे पदार्थ है वो खाने से सर्दी बढ़ रही है, इसका मतलब ये कौन सा दोष है, यहाँ पे कफ दोष है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपशय का जो मतलब है, इसका मतलब क्या कि क्या खाने से अपने को जो है वो डिजीज को कम करने आ रहा है, उसको हम उपशय कहेंगे। अभी आपति, आपति यानी कि संप्राप्ति के पैथोजेनेसिस, कि वो बीमारी कैसे वहां तक पहुंची, क्या क्या स्टेजेस उसने लिए, जैसे कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स ओजेंटोसाइट्स है वो लीवर में गए, लीवर में जाके उन्होंने वहाँ जो है वो मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में वो जो है वो पूरे ब्लड में घूम रहे, तो ये सब क्या है, पैथोजेनेसिस है। वैसे ही आयुर्वेद में दोषों का कफ दोष कैसे बढ़ गया, कफ दोष कौन से दोष के संबंध से इतना बढ़ गया, फिर बाद में कौन सा दोष इसमें प्रधान है, फिलहाल में दूष्य कितने हैं, मल इसमें कौन सा दूषित हुआ है, इस प्रकार से हम जो सोचते हैं इसको हम संप्राप्ति कहते हैं, यानी कि बेसिकली बीमारी कैसे यहाँ तक पहुँची, इसका जो उत्तर है वो आपको संप्राप्ति में मिलेगा, इसे यहाँ आपति भी लिखा गया है। नेक्स्ट श्लोक है भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु इह द्विधा जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफोलबणम साधरम सममलम त्रिधा भ्रू देशम आदिशेत। यानी कि भूमि देह प्रभेदेन, भूमि देश और देह देश, ऐसे दो प्रकार के लोकेशन का वर्णन किया गया है। तो बेसिकली अगर लोकेशन जब कहेंगे तो भूमि देश यानी कि कौन सी जगह पे हो आप, और अगर देह और उसका दूसरा प्रकार ये भी है कि देह देश यानी कि आपकी खुद की बॉडी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम है, एपिगैस्ट्रियम है, अम्बिलिकल रीजन है, हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये क्या है आपका देह देश है। और भूमि देश यानी कि लैंड का टाइप्स, लैंड का टाइप जो है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो लैंड के जो टाइप है उसमें कैसा है, जांगलम वात भूयिष्ठम, तो जंगल प्रदेश जो होता है विच इज प्रीडोमिनेंट ऑफ वात डेजर्ट लाइक लैंड विथ नो माउंटेन्स और हिल्स हैज लेस वेजिटेशन पुअर वाटर रिसोर्स इज मोर बिजी, तो ये जंगल प्रदेश होता है। तो देखिए जैसे कि ये जंगल प्रदेश यहाँ पे है, तो जंगल प्रदेश यानी कि क्या, रेगिस्तान। फिर बाद में अनुपदेश विच इज प्रीडोमिनेंट ऑफ कफ, यहाँ पे क्या लिखा है,
अनुपम टू कफोलबणम विच इज प्रीडोमिनेंट ऑफ कफ, मार्शी लैंड विथ मोर ऑफ वाटर, मोर वेजिटेशन, वेरी लेस ऑफ सनलाइट एंड हीट। तो अनूप देश यानी कि कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे उसका डायग्राम भी मैंने दिया है, जहाँ पे पानी हमेशा भरा हुआ रहता है या समुद्र के किनारों वाला एरिया वगैरह, जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होता है, जहाँ पे कीचड़ थोड़ा सा ज्यादा रहता है वगैरह वगैरह। साधारण देश यानी कि क्या है, जहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है। साधारण सममलम यानी कि साधारण में कैसे है कि जो तीनों दोष, मल यानी कि दोष, यहाँ पे जो तीनों दोष है वो कैसे रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। तो जैसे कि मॉडर्न टाइप रहेगा, मॉडरेट टाइप रहेगा, थोड़े से वहाँ पे पहाड़ रहेंगे, मॉडरेट वाटर रहेगा, वेजिटेशन भी बढ़िया रहेगी। तो ये जो यहाँ पे डायग्राम है वो साधारण देश का, ये डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या संकल्पना हो रही है, यहाँ पे इमेजिनेशन किस बात का करना है। और ये है देह देश, यहाँ पे आपको पता है कि हमारा पूरा बॉडी भी हमने जो है वो एज पर रीजन ही डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये देश का वर्णन किया गया है। अभी हम जो देखेंगे वो टाइम का वर्णन देखेंगे, व्हाट इज टाइम। तो बेसिकली आपका ये जो टाइम है वो दो प्रकार का है, क्षण आदि व्याधि अवस्था च काल भेषज योगकृत, और क्षण आदि और व्याधि अवस्था, ऐसे दो प्रकार के काल है। तो वन इज नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम यानी कि क्या, कि जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद से अब तक जो यूनिवर्स बन गई, ये जो टाइम फ्रेम है आपका, ये पूरा जो है वो क्या है, नॉर्मल टाइम है। और ये आपका बेसिकली वन डे वन नाइट साइकिल, फिर बाद में वन वीक साइकिल, फिर बाद में वन मंथ साइकिल, फिर वन ईयर साइकिल, और ऐसे प्रकार से जो है वो एकदम अनंत है। और ये जो टाइम है ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें टाइम का नॉलेज रहे। वैसे ही ये जो है डिजीज प्रोग्रेशन, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेज है वो कैटरल स्टेज है, जैसे कि यहाँ पे URTI वगैरह का मैंने यहाँ पे टाइम स्केल बताया कि डिजीज जो है वो वीक्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे इनकी इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि बीमारी कितने टाइम में इतनी बढ़ गई, कितना टाइम लग रहा है उसको इस स्टेज पे आने के लिए, कितना टाइम लग रहा है उसको पैरोक्सिमल स्टेज पे आने के लिए, कितना टाइम लग रहा है उसको कोवलेसेंस स्टेज पे आने के लिए। तो ये जो टाइम है ये आपका स्टेजेस ऑफ डिजीज है। तो ऐसे टाइम के भी जो है वो दो प्रकार होते हैं, क्योंकि टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो जो डिजीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, अनट्रीटेबल हो जाएगी। इसलिए टाइम फैक्टर यहाँ स्टडी करना बहुत जरूरी है। अभी जो ट्रीटमेंट की बात चली है तो हम ट्रीटमेंट के भी प्रकार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक उसी का है, शोधनम शमनम चैति समासाद औषधम द्विधा शरीर जाना दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेकः वमनम तथा तैलघृतम मधु। तो शोधन और शमन है, ये दो प्रकार की कैसी होती है, औषधि होती है। और चिकित्सा भी, अगर औषधि दो प्रकार की है तो चिकित्सा भी कैसी हो जाएगी, दो प्रकार की हो जाएगी। तो टाइप्स ऑफ मेडिसिन, शमन है। शमन मतलब क्या, कि पेलिएटिव ट्रीटमेंट विच ब्रिंग्स द दोषा टू नॉर्मलसी यूजफुल इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिजीज। तो अगर बीमारी छोटी है, बीमारी कम है, या बीमारी के जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, शमन चिकित्सा। और सेकेंड आता है शोधन चिकित्सा, प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट विच एक्सपेल्स इम्बेलेंस दोषा आउट ऑफ द बॉडी यूजफुल इन एग्रेवेटेड स्टेजेस ऑफ डिजीजेस। यानी कि क्या, कि बहुत दोष बढ़ गए हैं उसकी वजह से, अभी वो ट्रीटमेंट से, ओरल ट्रीटमेंट से या नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, अभी उसको क्या करना पड़ेगा, शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, तो जैसे कि देखिए आपको कुछ लग गया है यहाँ पे, और लगने के बाद में क्या हो गया है कि आप जो है पहले उसे क्या करेंगे, साफ करेंगे, बिना साफ करे ही आप जो है उसके ऊपर ये पाउडर लगा देंगे क्या, नहीं। तो ये जो साफ करना जो है, प्यूरिफिकेशन जो है, उसे हम क्या कहेंगे, शोधन चिकित्सा। और फिर बाद में जो थोड़ा सा ही घाव बच गया है, अभी सिर्फ उसे पट्टी लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ये आपका क्या है, शमन चिकित्सा। तो ये दो प्रकार के एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिससे आपको आप ये कंसेप्ट समझ सकते हैं। फिर शरीर जाना दोषाणाम, शरीर के अंदर जो दोष है, क्रमेण परम औषधन, ये दोनों जो है वो सबसे अच्छी चिकित्सा है। और नीचे जो बताई गई है, बस्ती विरेक वमनम तथा तैलघृतम मधु, ये तीनों जो है वो वात पित्त कफ के सबसे बेस्ट चिकित्सा है। तो जैसे कि वात के लिए बस्ती चिकित्सा है, पित्त के लिए विरेचन चिकित्सा है, कफ के लिए वमन चिकित्सा है। और क्या क्या यूज़ करना है, वात के लिए जो है वो तैल यूज़ करना है, पित्त के लिए घृत यूज़ करना है, और कफ के लिए मधु यूज़ करना है। तो बेसिकली ये क्या है, अभी ये ऑब्जर्वेशन है, ये उनका कंक्लूजन है कि ऐसा ऐसा करोगे और यही जो है वो इन तीनों में बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए वात का एग्जांपल है,
के बाद में जो है वो हमें सपोजिटरी यानी कि बस्ती देनी पड़ती है, जिसको मेडिकेटेड एनिमा भी बोलते हैं। तो ये जो है वो शोधन ट्रीटमेंट है। और अगर आपको शमन करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, ऑयल यूज़ करना है। वैसे ही अगर पित्त का प्रकोप हो गया है तो विरेचन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें अपन जुलाब लगवाते हैं दवाइयाँ देके, और घी जो है वो आपको शमन के लिए देना है। वैसे ही आपका जो कफ है उसके लिए अपने को क्या करना है, वमन करना है। और अगर थोड़ा सा ही कफ प्रकोप हुआ है तो आप शहद दे सकते हो उसके शमन के लिए। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे तीनों दोषों का ट्रीटमेंट और तीनों दोषों के प्रकोप के वक्त जो है वो अपने को क्या क्या करना चाहिए ये यहाँ पे बता दिया है।